पर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं डांस, आए दिन आयोजित किए जा रहे हैं डांस। डांस देखने को उमड़ रहे हैं सैकड़ों युवा और बच्चे। लोगों के चेहरे पर आपको न मास्क नजर आएगा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। मलहीपुर क्षेत्र के द्वारिका गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि आए दिन डांस प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती में एक श्रावस्ती की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं डांस प्रोग्राम आयोजित किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर जमकर डांस प्रोग्राम जो है वो हो रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहां पर युवा और बच्चे मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि लोगों में कोरोना का जरा भी डर नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केपी जी, आपसे जानना चाहेंगे ये कहाँ का वीडियो बताया जा रहा है और क्या यहाँ के लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की कोई जानकारी नहीं है, जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, तस्वीरें जो है वो डरा देने वाली तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए श्रावस्ती जिले की तस्वीरें हैं और मल्लीपुर थाना क्षेत्र के द्वारिका गांव की तस्वीरें हैं और ऐसी खबरें और ऐसी तस्वीरें लगातार मल्लीपुर क्षेत्र से आ रहे हैं, जिसको के न्यूज बराबर दिखाता रहा। इससे पहले भी दो से तीन बार ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है, इसको के न्यूज ने बाकायदा दिखाया है और बताया भी जाता है कि बाकायदा जो प्रशासन है उसके द्वारा प्रचार प्रसार भी कराया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करिए। लेकिन आयोग ने ऐसी तस्वीरें आ रही है जो भयावह है, और तब जब गांव में कोरोना इसमें पूरी तरीके से पांव पसार चुका है, शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां पर इस समय कोरोना के मरीज ना मिल रहे हों, ऐसे समय में ऐसी तस्वीरें निश्चित ही चिंता का सबब है। बिल्कुल, केपी सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे जब इस तरीके के डांस प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं तब प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं, क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है ऐसे लोगों पर, जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित ही कैसे हो रहे हैं? देखिए, पहले भी दो बार ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं और मल्लीपुर थाना क्षेत्र से ही ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं, ये तीसरी बार ऐसी तस्वीर आई है। और अब तक उन दो जो तस्वीरें आई उन पर या जिन लोगों ने उन कार्यक्रमों का आयोजन किया, हम कहें उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा है कि लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल केपी सिंह जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें अपने आप पे डरा देने वाली तस्वीरें हैं और इससे पहले भी यहाँ से कई बार तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन प्रशासनिक अमला अभी भी नींद से नहीं जागता। और इसी बीच आपको हम